9 महीने पहले गेहूं गांव में कचरा निस्तारण के लिए लगाए गए कचरा ट्रीटमेंट प्लांट की अब सुखद तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। राजवेस्ट के सहयोग से गेहूं गांव में 67 लाख की लागत से बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट में बाड़मेर शहर के गीले और सूखे कचरे से बेशकीमती खाद तैयार की जा रही है, जिसके जरिए नगर परिषद को सालाना 60 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद जताई जा रही है। 9 महीने पहले गेहूं गांव में कचरा निस्तारण के लिए लगाए गए कचरा ट्रीटमेंट प्लांट की अब सुखद तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। राजवेस्ट के सहयोग से गेहूं गांव में 67 लाख की लागत से बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट में बाड़मेर शहर के गीले और सूखे कचरे से बेशकीमती खाद्य तैयार की जा रही है, जिसके जरिए नगर परिषद को सालाना 60 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि बाड़मेर शहर का गीला और सूखा कचरा कई सालों से गेहूं गांव स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में डाला जाता रहा है। इसका ग्रामीण कई सालों से विरोध भी कर रहे थे। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए 9 महीने पहले कचरे को निस्तारित करने के लिए नगर परिषद ने कार्य योजना बनाई और राजवेस्ट के सहयोग से ट्रोमल स्क्रीन मशीन लगाई गई। अब इस ट्रोमल स्क्रीन मशीन से न केवल प्रतिदिन 300 टन कचरा निस्तारित हो रहा है, बल्कि बाड़मेर शहर के गीले और सूखे कचरे से बेशकीमती खाद बनाई जा रही है। डंपिंग यार्ड में आने वाले कचरे को यह मशीन कुछ ही घंटों में खाद बना देती है। नगर परिषद द्वारा गेहूं में जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पर हमने जो सूखा कचरा और गीला कचरा जो शहर का सेग्रीगेट हो गया था, वहाँ पर हमने उस जो सब्जी मंडी का जो सड़कला पदार्थ आता है या होटलों से जो अपविष्ट आता है, उसको लेकर हमने वहाँ पर एक मशीन लगाई और उस मशीन से हमने खाद बनाने का काम शुरू किया है। तो टनों में खाद तैयार है, उसकी एक बार रेट जस्टिफाई हो जाए तो फिर हम उसे ऑक्शन करके बेचेंगे। हमने इस खाद की क्वालिटी चेक करवाई वानिकी विभाग से, तो वो क्वालिटी जो उनके मानक है उसके मानक के अनुसार 90 से 92% के बीच में आई, जो कि बाड़मेर की जैविकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो एवरेज आएगा वो मंथली हमारा 5 लाख तक की खाद हम देंगे। सालाना कोशिश ये रहेगी कि हम 50 से 60 लाख रुपए इससे अर्जित करें, ताकि उसकी मेंटेनेंस का सारा खर्चा इसी से निकले। गेहूं गांव के कचरा ट्रीटमेंट प्लांट लगने से खाद बनने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की बदबू और गंदगी की समस्या को भी काफी समाधान हुआ है। पहले जहाँ डंपिंग यार्ड में कचरे के ढेर लगे हुए रहते थे, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया था, अब ट्रीटमेंट प्लांट लगने से कुछ ही घंटों में कचरे से खाद बना दी जाती है, जिससे स्थानीय ग्रामीण काफी राहत महसूस कर रहे हैं।